सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 का जो आज 13 अगस्त को पेपर हुआ थर्ड शिफ्ट का, उसका जो जीएस का पार्ट है उन प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। तो आपका पहला प्रश्न पूछा गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दी जाती है? तो उत्तर आपका होगा 6। अगला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 111 में। तीसरा प्रश्न आपका, बैट्समैन के पीछे कौन सी फील्डिंग होती है? तो ऑप्शन में था स्लिप, तो आपका उत्तर होगा स्लिप। अगला प्रश्न आपका था, आइस हॉकी टूर्नामेंट कौन जीता? तो आपका जीता इंडिया भूटान बॉर्डर पुलिस ने, जो आपका लद्दाख में हुआ था। पांचवा प्रश्न आपका था, रामानुजन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर गणित। अगला प्रश्न आपका था, राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करते हैं किस अनुच्छेद में, ये दिया गया है? तो आपका दिया गया अनुच्छेद 123 में। अगला प्रश्न आपका था, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा लोहित। अगला प्रश्न आपका था, कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका नरसिंह देव प्रथम ने। नवा प्रश्न आपका था, हरमिंदर साहब कहाँ स्थित है? ये आपका है अमृतसर। स्वर्ण मंदिर का पुराना नाम है हरमिंदर साहब, घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा गया है। और एक प्रश्न आपका पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर नहीं है? ऑप्शन दिया गया था इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपका उत्तर था ऋषिकेश। तो दोस्तों ये रहा थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीएस के प्रश्न, बाकी का प्रश्न आने वाले वीडियो में लेकर आऊँगा। धन्यवाद।